हेलो फ्रेंड दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपकी फेवरेट सीरियल इमली में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। और अब आदित्य को जैसे ही हॉस्पिटल में होश आएगा, बड़ा फैसला सुनाएगा। दोस्तों आने वाले एपिसोड में काफी हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है, जहां पर इमली पर आदित्य की जान लेने का इल्जाम मालिनी लगवा देती है और अपना और घर वालों को भड़का देती कि ये सब कुछ इमली की वजह से हुआ है। इमली जब तक आदित्य के साथ रहेगी, उसकी जान को खतरा बना ही रहेगा। जब से इमली आदित्य की जिंदगी में आई है, तब से आदित्य पर कोई ना कोई तो बहुत मुसीबत आ ही रही है। और अपर्णा आदित्य की जान पर खतरा देखते हुए इमली पर भड़केगी और उसे घर से निकाल देगी और जोरदार थप्पड़ भी मारेगी। तो वहीं आदित्य को भी मालिनी भड़काने की कोशिश करेगी कि सत्यकाम ने गोली जिस तरह से चलाई है, वो हमेशा ही तुम्हारी जान के पीछे पड़ा रहता है, हो ना हो वो इमली की वजह से ये सब कुछ कर रहा है। और इमली को भी पता ही होगा अगर सत्यकाम दिल्ली आया था तो। और इमली के खिलाफ भी मालिनी कान भरने की कोशिश करेगी आदित्य की, लेकिन आदित्य सब जानता है कि इमली कभी भी ऐसी कदम नहीं उठा सकती है। तो आदित्य होश में आते ही पहले तो बड़ा फैसला सुनाएगा। घर पर लौटते ही देखेगा कि इमली कहीं नजर नहीं आएगी, क्योंकि अपना ने उसे घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया है और ना ही आदित्य से मिलने दिया है। तो भाई यहाँ पर इमली को कसम दे देती है अपना कि वो कभी भी आदित्य के करीब वापस नहीं आएगी। तो इमली कसम नहीं तोड़ सकती है आदित्य की, और अब वो इमली छोड़कर चली जाती है घर। लेकिन आदित्य भी अपना फैसला सुना देता है घर आते ही और कह देता है कि वो अब मालिनी से तलाक लेगा। जी हाँ दोस्तों, इमली को अब यहाँ से घर से निकालने की किसी और की नहीं, मालिनी की ही साजिश थी, जिसके लिए मिट्टी ने और सभी सुंदर ने सभी ने उसे समझाने की कोशिश भी की थी। और आदित्य के सामने धीरे धीरे सच आ ही रहा था, और आदित्य के सामने सच तो उसे पता ही है कि ये किसी ने और ने नहीं, मालिनी ने ये सब कुछ ड्रामा रचा है, वो जानबूझकर उसे लेके गई थी। तो यहाँ पर इमली ने भी काफी बार आदित्य को समझाने की कोशिश की थी, मालिनी दीदी वैसी नहीं रही है। और आदित्य को अब ये बात समझ आएगी जब उसके साथ ये सब कुछ हादसा होगा। आदित्य फैसला सुना देता है कि वो मालिनी से तलाक लेगा जितना जल्दी हो सके, और इस घर से भी वो अगर वो नहीं जाना चाहती है और इमली को सभी से प्रॉब्लम है तो वो खुद ही अब इमली के पास चला जाता है इस घर को छोड़ करो। ये फैसला उसने काफी पहले सुना दिया था। तो अब आदित्य इस पर एक्शन लेने वाला है और कह देगा कि इमली के बिना वो कभी नहीं रह सकता, और इमली उसकी जान की हमेशा ही परवाह करती है, ना कि उसकी जान को खतरे में डाल सकती है। तो घर वालों को तगड़ा झटका आदित्य देगा और घर छोड़कर चला जाएगा।